नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड 2010 के होम टैब को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों हमने अपने पहले वीडियो में एमएस वर्ड 2010 के फाइल टैब को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमएस वर्ड 2010 के होम टैब के सभी ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बस दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम कट कॉपी पेस्ट इनको यूज करेंगे। तो कट कॉपी पेस्ट लगभग लोगों को यूज करना आता है, फिर भी हम इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब हम माउस को यहाँ पर रख करके माउस के लेफ्ट की को प्रेस करके यहाँ तक इसको खींच लाएंगे और यहाँ पर माउस की लेफ्ट की को छोड़ देंगे। छोड़ते ही ये पूरा देखो सिलेक्ट हो चुका है। अब देखो कट भी वर्क कर रहा है, कॉपी भी कर रहा है, पेस्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कट को यूज करेंगे हम। तो कट को यूज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कट का यूज क्या होता है। तो कट की शॉर्टकट की देखो क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स होती है। तो हम कट के लिए हमें क्या होता है कि एक जगह से कुछ पार्ट को काट करके दूसरी जगह हमें ले जाना होता है, तो वहां पर हम कट करते हैं। तो देखिए यहां से हम इसको कट करेंगे, यहां पर इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हमें काट करके यहां लेके आना लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको कट करेंगे। कट करते देखो ये यहां से कट हो गया। अब यहां पर हमने ला करके माउस से क्लिक करो लेफ्ट बटन को और यहां पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ये देखो पेस्ट हो चुका हमारा। तो ये होता है कट। कट का यूज होता है कि एक जगह से टेक्स्ट को उठा करके उसको एक जगह से काट करके टेक्स्ट को दूसरी जगह लेके जाना ही क्या होता है, कट होता है। अब हमें क्या करना है, जैसे कॉपी करना है, जैसे इस पूरे पैराग्राफ को हमें कॉपी करना है, जैसे यहां से यहां तक के मैटर को हमें कॉपी करके यहां नीचे लेके आना है। तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया माउस से और वहां पे किस पे जाएंगे, कॉपी पे जाएंगे। तो देखो या तो कॉपी पे जाओ या फिर कॉपी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। तो हमने कॉपी पे क्लिक किया, ये कॉपी हो चुका है। अब हमें यहाँ लाना है इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माउस से क्लिक किया और क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वहाँ भी रह गया और यहाँ भी आ गया। तो कट और कॉपी के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, कट के अंदर होता है एक जगह से पूरा काट कर ही दूसरी जगह लेके जाएगा, और कॉपी में क्या होता है पहली जगह भी रहेगा डाटा और दूसरी जगह भी सेम डाटा कॉपी हो जाएगा। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। और पेस्ट की जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है, जो कि आपके एमएस वर्ड के चाहे कोई भी वर्जन हो सभी के अंदर ये सेम रहती है। फिर उसके बाद में दोस्तों आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को हम अभी यूज करेंगे जस्ट थोड़े टाइम के बाद। पहले हम इससे पहले हम फॉन्ट को यूज करेंगे। फॉन्ट को यूज करने के बाद आपको समझने में बड़ी आसानी होगी फॉर्मेट पेंटर को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉन्ट की तरफ। हाँ दोस्तों अब हम देखिए सबसे पहले इस बी को यूज करते हैं। बी का क्या यूज होता है, बी क्या होता है, बी होता है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, मतलब जिस टेक्स्ट को आप क्या करोगे सिलेक्ट करोगे यह उसको क्या करेगा, बोल्ड करेगा। बोल्ड का मतलब समझते हैं आप, बोल्ड का मतलब होता है जो पहले से लिखा हुआ अक्षर है उसको थोड़ा और डार्क करना ताकि वो अलग से दिखाई देने लगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करो, सबसे पहले यहां से यहां तक का हमने सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद में हम किस पे क्लिक करेंगे, बी पे करो या फिर आप क्या करो कंट्रोल प्लस बी करो। तो जैसे हमने यहां से बी किया, बी करते देखो ये डार्क हो गया, ये अलग से दिखाई देने लग गया। या फिर हम जैसे देखो इसको वापस इसको किया और फिर आप कीबोर्ड से क्या करो कंट्रोल प्लस बी प्रेस करो। ये देखो कंट्रोल प्लस बी सिलेक्ट करते ही क्या हो गया, प्रेस करते ही ये बोल्ड हो गया। अब बोल्ड होने के बाद में आगे वाला हमारे पास क्या है, आई। आई क्या होता है दोस्तों, आई होता है इटालिक। इटालिक का मतलब जो लिखे हुए अक्षर हैं, जो सिलेक्टेड अक्षर हैं, उनको क्या करेगा ये थोड़ा तिरछा करने का काम करेगा। जैसे देखो इसके ऊपर जाते देखो नीचे क्या दिखा रहा है आपको, इटालिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करेगा, इटालिक करेगा उसको, जो सिलेक्ट जो टेक्स्ट किया हुआ आपका उसको क्या कर देगा, इटालिक कर देगा। जैसे देखो मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, ये देखो थोड़ा सा तिरछा हो गया जो पहले से लिखा हुआ था उससे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यू आता है। यू क्या होता है दोस्तों, यू होता है अंडरलाइन। जैसे देखो इसके ऊपर जाओ क्या हुआ, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है यह उसको क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। जैसे इसके ऊपर प्रेस किया हमने, क्या कर दिया इसने, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद में अंडरलाइन भी हमारे पास, जैसे ये पूरी लाइन आ गई नीचे, पूरी लाइन आ गई। अब हम इस लाइन की जगह देखो यहाँ पे एक एरो का साइन है, इससे हम और भी चूज कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन आपको डबल लाइन में चाहिए या फिर थोड़ी और गहरी लाइन चाहिए या फिर डॉट में अंडरलाइन चाहिए आपको, देखो उधर आती जा रही है साथ साथ। ये देखो डैश डैश में चाहिए या फिर आपको किस चाहिए या फिर इस फॉर्म में चाहिए। जैसे देखो हमने किस में दिया, डॉट डॉट में कर दिया इसको। तो ये देखो अभी हमारा अंडरलाइन कैसी हुई है अलग, ये यूज था। जैसे इसके आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा
कहाँ पे, जो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसके बीचों बीच एक लाइन करेगा। जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक का, देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट हमारे कोई यूज का नहीं है या फिर ये गलत है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर नहीं हटा रहे हैं तो इसको अलग से क्या कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे। स्ट्राइक थ्रू इनके बीचों बीच देखो एक लाइन लगा देगा कि ये क्या है, यूजलेस वर्ड है हमारे लिए या यूजलेस सेंटेंस है हमारे लिए, तो ये इसको अलग से शो कर देगा, जिससे हमें काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि हाँ, आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि हाँ बीचों बीच लाइन लगी, इसका मतलब इसको क्या किया हुआ है, काटा गया है, या फिर ये यूजलेस वर्ड हमारे लिए या सेंटेंस है हमारे लिए। फिर देखो दोस्तों, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखो x के नीचे 2 लिखा हुआ है, x के नीचे 2 क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ जाते क्या है, सब स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन। फिर देखो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, क्या करेगा, क्रिएट स्मॉल लेटर्स, ये स्मॉल लेटर क्रिएट करेगा बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट के बिलो, बिलो का मतलब नीचे, बेस लाइन जो उसकी नीचे की जो बेस लाइन है ना वहां पर लिखेगा। जैसे देखो हमें लिखना है क्या, जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखें, जैसे हमें H2SO4 लिखना है, जैसे H2O लिखना है, जैसे यहां पर हमें क्या लिखना है, H2O, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, H, अब 2 इसे नीचे लगाना है, तो ये क्या कर रहा है, बेस लाइन पे लिखना स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या करो, क्लिक करो, या तो या फिर क्या करो, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन दबाओ, तो ये देखो इस पे प्रेस करते ही कहां गया, कर्सर हमारा नीचे मूव करने लग गया बेस लाइन पे। अब जैसे हमने 2 लिखा तो ये नीचे आ गया, अब हमें वापस क्या करना है, ओ लिखना है, तो अब यहां पे ओ लिखेंगे तो देखो नीचे 2 के पास ओ जा रहा है, और ओ हमें कहां चाहिए, ऊपर चाहिए, तो इसको वापस इसको हटाएंगे तो हमारा कर्सर देखो वापस मेन पोजीशन में आ चुका है। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, तो ये देखो H2O हो गया। इट मींस क्या हुआ कि सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए इसका X2 का यूज होता है। फिर जैसे हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, X2 आता है, ये X2 नहीं है, ये दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट, देखो सुपर स्क्रिप्ट, क्रिएट स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर लिखेगा मतलब छोटे अक्षर लिखेगा, अबाउट द लाइन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो लाइन है ना उसके ऊपर वाली साइड में क्या करेगा, स्मॉल लेटर लिखेगा, इसकी शॉर्टकट की क्या दे दी हुई है हमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन, तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना, जैसे आप नीचे लाइन में आगे, जैसे हमें लिखना क्या, A² + B², तो देखो मैं यहाँ पे A लिखता हूँ, लिख दिया, अब इसकी स्क्वायर, अब जैसे हम 2 लिखेंगे तो A² 2 लिखा हमने, तो A का 2 लिखा, ये इसके बेस में आ गया, ये इसके लेवल में आ चुका, लेकिन हमें कहाँ चाहिए था, इसके ऊपर चाहिए था, स्क्वायर लगानी थी, तो इसको हम यहाँ से बैक स्पेस से कट कर देते हैं, और कट करने के बाद हम कहाँ पे जाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करो और क्या करो, यहाँ पे 2 लगाओ, देखो अब हो गया A², फिर इसको वापस क्लिक करो और प्लस का साइन लगाओ क्योंकि प्लस हमें नीचे चाहिए, फिर बी लिखो और फिर बी का स्क्वायर लिखना है, तो वापस किस पे जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे, और ये लिखो हमने 2 लिख दिया, तो ये A² + B², तो दोस्तों हम समझ चुके हैं। देखो अब देखिए दोस्तों, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये नया ऑप्शन हमारे पास 2010 के अंदर आया है, जो कि पहले के वर्जनों में नहीं था, कौन सा, टेक्स्ट इफेक्ट वाला। तो टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहां से यहां तक का हमने टेक्स्ट क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखो यहां पे जाते देखो क्या दिखा रहा है आपको, टेक्स्ट इफेक्ट दिखा रहा है, अप्लाई ए विजुअल इफेक्ट्स टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट सच एज ए शैडो ग्लो और रिफ्लेक्शन। इट मींस क्या हुआ दोस्तों, ये आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, आपको शेडोज प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब उसके पीछे उनकी अक्षरों के पीछे उनकी छाया जो होती है कुछ वो दिखाएगा, और क्या दिखाएगा आपको, रिफ्लेक्शंस दिखाएगा। जैसे देखो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करो, इसमें से जो आपको चाहिए देखो, पीछे इनके पीछे थोड़ी थोड़ी छाया बन रही है, देखो देखो अलग अलग इनके पीछे ना थोड़ा थोड़ा डार्कनेस आपको दिखाई दे रहा है इनके पीछे। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसके नीचे नीचे डार्कनेस बना हुआ है, मतलब इनके पीछे इनकी कुछ शेडोज शो करने का काम करता है, कौन, टेक्स्ट इफेक्ट। फिर उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट हाईलाइटर आता है, तो मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वॉज मार्क्ड विद ए हाईलाइटर पेन। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का, मतलब टेक्स्ट को अलग से शो करने का। जैसे देखो दोस्तों, ये लाइन यहां से लेकर के यहां तक की लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट करवाएंगे। तो हाईलाइट के लिए देखो, ये कलर यहां पे एरो पे क्लिक करते हैं, और ये कौन सा कलर है,
येलो कलर है, मोस्टली हम येलो कलर ही यूज करते हैं हाईलाइटर के अंदर। तो जैसे देखो ये येलो कलर मैंने कर दिया, अब देखो ये लाइन अलग से शो होने लग गई है। आप चाहो तो इस लाइन का कलर क्या कर सकते थे, येलो की बजाय आप दूसरा भी कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ पे किया हमने और ये देखो ये हमारा दूसरा कलर आ गया। जो भी आप कलर आपको अच्छा लगे वो टेक्स्ट हाईलाइटर यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट कलर। देखो चेंज द टेक्स्ट कलर, ये जो लिखे हुए टेक्स्ट है ना उनके कलर को चेंज करेगा। जैसे देखो यहां से यहां तक के टेक्स्ट को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इस पे हम एरो पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहां से देखो, जिस पे भी हम जा रहे हैं ऑटोमेटिक कलर चेंज होता जा रहा है। देखो देखिए दोस्तों, जैसे मेरे को ये चाहिए था तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ क्या किया, उन टेक्स्ट का कलर ही चेंज किया, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास आगे और ऑप्शन आएंगे। उसके बाद में नीचे वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम ऊपर वाली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम ऊपर वाली लाइन में चलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फॉन्ट फेस आता है। फॉन्ट फेस की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होती है। ये देखो क्या लिखा हुआ, चेंज द फॉन्ट फेस, ये फॉन्ट का फेस चेंज करेगा। मतलब ये जो फॉन्ट लिखे हुए ना इनकी डिजाइन चेंज करेगा कि आप कौन कौन से अलग अलग फॉन्ट इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने कंट्रोल प्लस ए से हमने पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। अब हम कहां जाएंगे, फॉन्ट फेस के अंदर जाएंगे। देखो ये एरो का साइन दिखाई दे रहा है, या तो ये दबाओ या फिर आप क्या करो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाओ। तो देखो ये हमारे पास खुल के आ गया, या तो यहां से करो या फिर आप यहां से इस एरो की के ऊपर क्लिक करो। एरो की के ऊपर क्लिक करते ही देखो दोस्तों हमारे पास कितने फॉन्ट खुल के सामने आ रहे हैं। ये देखो जो जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप जाओगे उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है, अलग अलग पीछे फॉन्ट का फेस देखो चेंज होता जा रहा है। जो भी फेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे दोस्तों हमें ये चाहिए तो हमने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसको ओके कर दिया तो ये हमारा फॉन्ट फेस चेंज हो गया। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, फॉन्ट की साइज होती है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। चेंज द फॉन्ट साइज, जो कि फॉन्ट की साइज को चेंज करेगी। जैसे यहां पर क्लिक करो, जैसे 11 है, 11 से हम क्या करेंगे, जैसे हमने 14 कर लिया। जैसे देखो जो जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं फॉन्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है फॉन्ट की साइज। तो ये कितनी है, 8 से लेके 72 तक होती है। तो आप ये मत सोचना कि ये मैक्सिमम 72 होती है और मिनिमम 8 होती है, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे देखो यहां से आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, देखो 72 से अबाउट जाएगी, देखो 100 जा रही है, ऐसे जा रही है। ये क्या होती है, डिक्रीज फॉन्ट साइज होती है, सिंक बोल सकते हैं इसको, सिंक फॉन्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस लेस देन होती है। जैसे इंक्रीज की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन होती है शॉर्टकट की। अब देखो इसको करो, ये बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों अब आपको मन में एक चीज और आ रही कि मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, तो उसके लिए मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताता हूं। आप यहां पे क्या करो, जैसे देखो इसको डाउन करते जाओ, एक बार 1 आ गया, 1 से नीचे नहीं जा रहा है, तो आप यहां पे क्या करो 0 लिखो, एक बार 0 प्रेस करके एंटर की दबाओ। एंटर की दबाते देखो नीचे मैसेज क्या है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। इसका कहने का मतलब है कि ये नंबर कहां से कहां तक होंगे, 1 से लेके 1638 के बीच में होंगे, और हमने क्या लगाया यहां पे 0, तो उसने एरर दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम तो कितना होगा 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 1638 होगा। तो दोस्तों इसको वापस हम 11 के अंदर कर देते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या आता है, केस चेंज या चेंज केस आता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। मतलब कहने का क्या है कि जो लिखे हुए अक्षर हैं उनको क्या करेगा ये, जैसे इसको वापस बड़ा कर लेते हैं, देखिए दोस्तों इसको वापस बड़ा कर दिया हमने। अब ये क्या कर रहा है, जो लिखे हुए, जैसे हमने यहां पर ये पैराग्राफ टाइप कर दिया, अब हमें जो पैराग्राफ ये टाइप तो कर दिया हमने, हमने क्या कर दिया इनको ऐसे टाइप कर दिए। अब हमें क्या करना, जैसे हमने इसको टाइप कर दिया, अब टाइप करने बाद हमें क्या कर रहे हैं, पूरे पैराग्राफ को हमें कैपिटल में लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया इसको स्मॉल में। तो अब इसको कैपिटल में लिखने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद हम क्या करेंगे, चेंज केस के अंदर जाएंगे और हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैपिटल में करना था, ये देखो अपर केस है, अपर केस पे क्लिक करते देखो पूरा कैपिटल में हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल में चाहिए, तो यहां से आप क्या कर दो, लोअर केस कर दो। या फिर आपको क्या चाहिए, सेंटेंस मतलब फुल स्टॉप के बाद में हर वर्ड क्या होना चाहिए, वर्ड का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सेंटेंस केस में आ गए, देखो फुल स्टॉप के बाद में यू का कैपिटल आ रहा है, वैन में डब्ल्यू कैपिटल आ रहा है, या ऑन में ओ कैपिटल आ रहा है, तो ये हो गए। फिर आप क्या चाहते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या हो, कैपिटल ईच वर्ड, मतलब सभी वर्ड क्या हो, सभी वर्ड्स का पहला जो अक्षर है वो क्या हो, कैपिटल हो। तो देखो दोस्तों ये लो, सभी वर्ड्स का पहला अक्षर क्या हो चुका, कैपिटल हो चुका।
फिर आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, हमें पहले हमें हर एक वर्ड का पहला अक्षर तो स्मॉल चाहिए, बाकी पूरा वर्ड क्या चाहिए कैपिटल। तो उसमें क्या करोगे आप, टॉगल केस यूज करोगे। ये देखो दोस्तों, टॉगल केस यूज करते ही देखो पहला अक्षर स्मॉल हो गया, बाकी सभी में क्या है कैपिटल आ रहे हैं। उससे आगे बढ़ते तो दोस्तों क्या रहा हमारे पास, क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपने इस पैराग्राफ में जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है अब उसको एक एक करके अगर हटाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए हमें एमएस वर्ड एक ऑप्शन देता है कि आप जितनी भी फॉर्मेटिंग जो इसमें फॉन्ट के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग थी अगर इसको आपको एक साथ हटाना है तो किस पे क्लिक करो, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो देखिए दोस्तों हमने करते हैं इस पे, ये देखो दोस्तों अलग हो गया इससे, सबसे फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर हो चुकी। अब दोस्तों देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे हम, अब देखिए दोस्तों अब हमें हमने फॉर्मेट पेंटर को पीछे छोड़ा था, अब फॉर्मेट पेंटर को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी के अंदर जैसे देखो हम एडिंग बना देते हैं अलग से, जैसे देखो इसमें बना दी ये यहाँ से यहाँ तक की एडिंग, इसमें भी ये एडिंग बना दी हमने, फिर इसमें भी जैसे देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं हेडिंग बना रहे हैं, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं हेडिंग बना दी, अब सभी में हमने हेडिंग बना दी। अब इस हेडिंग को क्या कर रहे हैं हम, देखो जैसे यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अब देखो इस हेडिंग को हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने, जैसे देखो ये की दब गई इसलिए क्या हट गया सिलेक्ट, अभी हमने क्या कर लिया इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे देखो हम इसको बोल्ड कर देते हैं, हम इसको इटालिक कर देते हैं, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, हम क्या करते हैं इसके अंदर जैसे देखो कलर डाल देते हैं, थोड़ा सा यहां से कलर डाल देते हैं, जैसे हमने ये कलर डाल दिया इसके अंदर, जैसे हम इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज कर देते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे देखो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे यहां से हम साइज इसकी इंक्रीज कर देते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो कि यही डिजाइन हमें सभी एडिंग के अंदर यही डिजाइन लेनी है, इनके अंदर अगर यही डिजाइन डालोगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, इसलिए एमएस वर्ड आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन सा है फॉर्मेट पेंटर का, कि आप उसको सिलेक्ट करो और किस पे क्लिक करो फॉर्मेट पेंटर पे करो। फॉर्मेट पेंटर पे करने के बाद में देखो अब इसके साथ क्या आ रहा है, हमारे कर्सर के साथ एक पेंटर ब्रश साथ आ रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको जिस पे भी आपको ये अप्लाई करना है उसको आप क्या कर दो सिलेक्ट कर दो, ये देखो हो गया ऑटोमेटिक आ गई, जो इसके अंदर जितनी भी डिजाइन हमने इंक्लूड की थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। अब यहाँ से हम वापस इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों इस पे भी आ गई। अब हम वापस इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी डिजाइन को और यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पर ला करके हम वापस इसको छोड़ देते हैं, इसमें भी मतलब हमें बार बार वो डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उस डिजाइन को ही कॉपी कर लेते हैं, वो क्या होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर टूल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आता है, जिसमें लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एल होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ उसको किधर अलाइन कर देगा, उधर उसको लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट कर देगा। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम किधर करेंगे इसको, ये देखो लेफ्ट पे क्लिक करते क्या होगा लेफ्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है हमारे पेज का, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है लेफ्ट होता है। उसके बाद में क्या है सेंटर अलाइनमेंट, ये क्या करेगा इसको हमारे जो टेक्स्ट है इनको कहां लेके जाएगा सेंटर के अंदर लेके जाएगा, जैसे एडिंग है इसको यहां पे सेंटर में ले आएगा और टेक्स्ट है इनको आगे थोड़ा खिसकाएगा। अब देखो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस ई, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देखो दोस्तों बीच में आ गया ये और इसको बीच में रखा है, इसको छोटी लाइन थी इसलिए इधर से आगे खिसका है और इधर से भी इसको इधर खिसका दिया इसको। फिर उसके बाद में आता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस आर होती है, ये पैराग्राफ को राइट साइड के अंदर लेके जाएगा, देखना दोस्तों इसको भी राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, देखो जैसे क्लिक करते हैं तो ये कर दिया, इसका मतलब ये राइट साइड के अंदर अलाइनमेंट करेगा। हमारा फिर आता है लास्ट हमारा जस्टिसफाई, जस्टिसफाई की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस जे, इसका मतलब क्या होता है ये जैसे हमारे दोनों तरफ जैसे ये जगह खाली है, ये लाइन आगे है ये पीछे है, इधर से देखो थोड़ा आगे पीछे है, तो इनको क्या करेगा एक लेवल के अंदर लेके आएगा ये, जैसे देखो ये क्लिक किया हमने, ये देखो इधर से भी लेवल आ गया और इधर से भी पूरा लेवल आ गया, ये होता है जस्टिसफाई। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या था लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब ये दोनों लाइनों के बीच का जो स्पेस है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे देखो दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये 1.5 है, इसको देखो मैं 2.5 करता हूं तो देखो जो हमारा लाइनों के बीच का स्पेस है वो इंक्रीज हो चुका है, और जैसे देखो दोस्तों और बढ़ाना आपको देखो 3.0 करो या फिर कम करना 1.0 करो या फिर आप लाइन स्पेस ऑप्शन पे चले जाओ, यहां से जैसे देखो यहां से आप कर सकते हो स्पेस को कम ज्यादा, फिर यहां से जैसे हमारे पास लाइन स्पेस है इसको डबल कर दो, डबल का मतलब 1.5 है तो ये डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देखो डबल पे करके ओके करेंगे तो देखो यह है। अब देखो इसको हम देखना चाहेंगे यहां से
इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये कितना है, देखो 2.0 है। तो आप नॉर्मली हम यहाँ से ही इसको यूज़ कर लेते हैं, इतना ही हमें ज़रूरत पड़ती है, आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, सेडिंग आता है। सेडिंग में क्या करता है, क्या बता रहा है, देखो कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, मतलब जिस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया है उसके बिहाइंड, उसके मतलब उस पीछे उसके क्या डालेगा, कलर डालेगा। देखिए दोस्तों इस एरो पे क्लिक करते हैं और जैसे मैं ये कलर ले लेता हूँ, तो देखिए इसके जो सिलेक्ट हमने जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसके बैकग्राउंड में इसने क्या डाल दिया, एक कलर डाल दिया दोस्तों। फिर उसके बाद में धीरे आगे बढ़ते हैं, बॉटम बॉर्डर आता है, मतलब अब बॉर्डर जो हमें लगाना होता है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे इस एरो पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जैसे देखिए बॉटम बॉर्डर मतलब उसके नीचे बॉर्डर लगेगा, जैसे ये देखो नीचे लग गया। फिर हमारे पास दूसरा क्या आता है, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पे करते ही ऊपर लग जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर करते ही देखो ये देखो साइड में बॉर्डर लग गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें जैसे राइट बॉर्डर लगाना है तो राइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो दोस्तों राइट में बॉर्डर लग गया। तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करके जिस हिसाब से आपको बॉर्डर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इस पे लगा सकते हो दोस्तों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं पर बुलेट्स की तरफ, तो हमने यहाँ से ये डिलीट कर लिया है। अब देखो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब बुलेट्स के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अब देखो बुलेट्स के ऊपर जाते हैं हम और बुलेट्स पे जाके जैसे देखो मैं ये बुलेट ले लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे आप कुछ भी लिखो और एंटर की दबाया, ये देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों ये देखो ये आ रहे हैं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप दूसरी डिजाइन भी यहां से ले सकते हो। देखो बुलेट दूसरे भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, जैसे जो भी आपको चाहिए। देखो उधर चेंज होता जा रहा है साथ साथ। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये भी नहीं चाहिए मुझे और चाहिए, तो डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर आप जाओ और यहाँ से जाओ आप सिंबल के अंदर, सिंबल के अंदर देखो दोस्तों कितने का आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये लगा तो मैंने इसको चूज किया, और क्या करेंगे जैसे मुझे यहाँ से ये लगा तो मैंने इसको यहाँ से चूज किया और ओके किया, और यहाँ से ओके करने पे देखो दोस्तों यहाँ से चेंज हो गए। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर दो पे क्या आते हैं, नंबरिंग आती है दोस्तों। जैसे देखो नंबरिंग पे आते हैं तो नंबरिंग में देखो ये नंबरिंग है हमारे पास इस तरीके से है, ये रोमन संख्याएं हैं, ये अल्फाबेट आ गए, ये स्मॉल लेटर्स आ गए, ये जैसे स्मॉल में ABC आ गई, आगे जैसे हमें चाहिए क्या कैपिटल लेटर्स चाहिए, जैसे देखो इसको सिलेक्ट करते क्या हो गए, सभी कैपिटल लेटर्स आ गए। अब हमें क्या चाहिए, जैसे आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, जैसे देखो सभी को सिलेक्ट किया हमने और कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एरो के साइन पे जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एरो के साइन पे जाएंगे और क्या करेंगे, जैसे देखो दोस्तों ये चाहिए आपको तो ये देखो ये उधर चेंज होता जा रहा है। फिर आप कहोगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए हमें और चाहिए, तो कहाँ जाओगे आप, डिफाइन न्यू सिंबल के अंदर जाओ आप। वहां पे जाने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे नंबर स्टाइल, नंबर स्टाइल में जाओ तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे, देखो जैसे हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम इस पे कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करो और क्या करो ओके कर दो, तो ये देखो दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक आ गए। तो इस तरीके से आप जो भी चेंज करना चाहते हो, फिर आप चाहते हो कि हमने चेंज तो कर दिया हमने ये लगा दिया लेकिन अब आप चाहते हो ये नहीं रखना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे जाओगे और क्या कहाँ पे जाओगे, नन, नन करते ही देखो दोस्तों पूरी नंबरिंग लिस्ट हमारी डिलीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मल्टी लेवल लिस्ट आता है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को इंसर्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाती है, मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। तो दोस्तों इसके लिए हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके क्या कर देते हैं, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखो ये अलग अलग लेवल हमें इसने दिखा रखे हैं। अब हम क्या करते हैं अपना एक लेवल बनाते हैं अलग से, तो डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, तो अपनी एक नई लिस्ट बनानी है। तो नंबर वन पे क्या लेवल में क्या जाए, उसमें काउंटिंग आ जाए 1 2 3, तो ऑलरेडी देखो काउंटिंग है। नंबर टू लेवल के अंदर क्या है, उसके अंदर ABCD लेनी है जैसे स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो यहाँ पे आएंगे देखो स्मॉल लेटर्स पे क्लिक कर दिया हमने। फिर नंबर थ्री पे कहाँ जाना अपने को, नंबर थ्री पे जैसे हमें ये नंबर्स लेने हैं, जैसे ये ले लिए हमने, तो तीन लेवल जैसे हमने बना लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं एंटर प्रेस करते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये आ गया, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, अब जैसे दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर चेंज करना है, इसे चेंज करना है, जैसे लेवल सेकंड लेना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखो चेंज लिस्ट लेवल यहाँ पे आएंगे और लेवल नंबर टू, देखो लेवल नंबर टू लिखा हुआ है, लेवल नंबर टू पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं देखो लेवल चेंज हो गया। अब जो भी आपको चाहिए यहाँ प्रेस करो और एंटर दबाओ। अब जैसे देखो हमें लेवल नंबर थ्री चाहिए, तो लेवल नंबर थ्री के लिए यहाँ आओ, चेंज
लिस्ट लेवल और नंबर 3 के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर क्लिक करो। देखो अभी उसके अंदर चलने लग गया, हो गया। अब हमें वापस कहां चाहिए, इसी लेवल के स्टार्टिंग वाले लेवल में चाहिए, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे और देखो कहां पे आएंगे, चेंज लिस्ट लेवल और नंबर 1 पे आ जाओ। ये देखो दोस्तों आगे, ये होता हमारा मल्टी लेवल लिस्ट होता है। तो देखो दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट हो गया, अब उसके आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है दोस्तों। जैसे देखो दोस्तों यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, अब जैसे दोस्तों जैसे मेरे को पेज का सेंटर अलाइनमेंट करना है, इनको आगे पीछे सेट करना है, तो मैं क्या करूं, जैसे सेंटर अलाइनमेंट पे करूं, तो इसके लिए पूरे सिलेक्ट किया और मैंने सेंटर अलाइनमेंट को ओके किया। अभी देखो दोस्तों आगे पीछे हो गए नाम हमारे, कंटिन्यूज एक क्रम में नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस इसको अंडो करते हैं कंट्रोल जेड से और क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट। देखो इंक्रीज इंडेंट में देखो स्पेस पूरा, पूरे लेटर एक साथ खिसक रहे हैं, पूरे वर्ड सब वो एक साथ खिसक रहे हैं। जैसे हमने सेंटर अलाइनमेंट में किया था तो हमारे क्या हुए थे, आगे पीछे हो गए थे। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, लेफ्ट साइड के पूरे स्पेस को कंटिन्यू खिसकाता आगे, देखो दोस्तों। और फिर उसके अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है। देखो ये होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। अब उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखो दोस्तों एक बार इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उससे आगे हमारे पास क्या है, सॉर्ट का मतलब हम लेटर्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, वर्ड्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने डी ए एस कर दिया, ए एस डी कर दिया, एच एस कर दिया हमने, जो भी है। अब देखो दोस्तों ये कर दिया हमने, फिर हमने ये लिख दिया। अब जैसे हमने कुछ ये यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, अब हमें इनको क्या करना है, पहले इनको सबसे पहले सिलेक्ट किया हमने और फिर उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे और ये क्या कहता है, आपको उसको किस क्रम में आपको उसको सॉर्ट करना है। तो क्या हमारा पैराग्राफ है और टेक्स्ट लिखे हुए उसके अंदर, हमने उसको करना क्या, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको बढ़ते क्रम में, जैसे डी है फिर एस है, मतलब पहले ए आए फिर डी आए फिर एच आए फिर जे आए, इस क्रम में करना है। तो देखिए इसको ओके करते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे करके, ये देखो दोस्तों ए डी एच एच जे आ चुका। अब जैसे देखो हमें नंबरिंग को करना है, तो जैसे यहां से आप कोई भी नंबर दबाओ, जैसे हमने ये लिख दिए, अब इसको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे हम सॉर्ट पे। सॉर्ट पे जाने के बाद देखो दोस्तों यहां पे ऑटोमेटिक नंबर आ गया आपकी बार, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में करते ही देखो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो यहां पे जाओ आप और कहां पे करो, डिसेंडिंग और ओके करो। तो ये देखो दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया हमारा पूरा। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पैराग्राफ मार्क करने का ऑप्शन आएगा। तो पैराग्राफ मार्क का देखो दोस्तों हम यहां पे इसको डिलीट करते हैं एक बार, और करने के बाद वापस हमें अपना एक पैराग्राफ लिखवाते हैं। तो इक्वल आर ए एन डी रैंड और शिफ्ट 9 और 0 प्रेस किया हमने और एंटर की प्रेस की। अब देखो दोस्तों हम क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहां से देखो पैराग्राफ मार्क करवाते हैं। पैराग्राफ मार्क हमारे ज्यादातर यूज नहीं होता है, नॉर्मली आता है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, स्टाइल ब्लॉक आता है। स्टाइल ब्लॉक में देखो अलग अलग हमें हेडिंग्स की स्टाइल दी हुई है। देखो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने इसको पहली हेडिंग को क्या किया, सिलेक्ट किया और हमने क्या दिया, जैसे हमने ये लगा दिया, हमने हेडिंग 1 लगा दी। फिर हमने सेकंड में गए और वहां भी हमने क्या की, हेडिंग 1 लगा दी। थर्ड पे यहां पर गए और यहां भी हमने देखो सिलेक्ट करके क्या लगा दिया, हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। ये थी हमारी कुछ हेडिंग, यहां पर देखो नीचे और भी हेडिंग है। आप चाहो तो ये जरूरी नहीं कि यहां से बनी बनाई हेडिंग लो, आप खुद भी बना सकते हो, वो भी बताएंगे। देखो दोस्तों अभी हमने जैसे ये हेडिंग हमने यहां से ले ली, अब हम कहां जाएंगे, चेंज स्टाइल के ऊपर जाएंगे। स्टाइल सेट देखो दोस्तों कैसे चेंज हो रही है, स्टाइल हेडिंग की जो स्टाइल ना वो देखो दोस्तों कैसे चेंज हो रही है। जैसे मैंने ये उठा ली स्टाइल, ये स्टाइल ले ली। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से स्टाइल पे जाएंगे, देखो कलर, ये देखो दोस्तों जो जो हमने हेडिंग यहां से अप्लाई की है केवल उन्हीं का कलर चेंज हो रहा है। देखिए जो जो आपको कलर चाहिए वो आप उन स्टाइल्स का कलर यहां से ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहां से आप देखो उठा सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छा लगा मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद में क्या है, जैसे फॉन्ट आते हैं, फॉन्ट दोस्तों आप यहां से भी ले सकते हो, लेकिन यहां से भी ले सकते हो आप, लेकिन हम यहां से ज्यादा लेते हैं क्योंकि जब हमारा काफी बड़ा हो जाता है काम, जैसे कोई बुक वगैरह लिखते हैं उसमें काफी हेडिंग्स होते हैं, तो यहां पे हमें हर हेडिंग पे जा के उनके फॉन्ट को यहां से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहां से हम करेंगे तो देखो दोस्तों यहां पे पूरी सभी हेडिंग्स का एक साथ ही फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। देखो ये देखो जैसे हमें ये चाहिए, हमने इसके ऊपर क्लिक किया है, हमारा चेंज हो गया। तो ये था, अब आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो खुद की एक हेडिंग बनाना चाहता हूं, यहां से बनी बनाई हेडिंग्स नहीं लेना चाहता, तो जैसे हमें यहां से
यहाँ से हम जैसे देखो इसको पूरे को हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो जैसे देखो दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ फॉन्ट ले लिए, फिर हमने इनकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर दी, फिर जैसे मैं इनको क्या कर रहा हूँ बोल्ड कर दिया और इसको थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखें दोस्तों जैसे मैंने ये कलर डाल दिया, जैसे अब मुझे इसको क्या बनाना है हेडिंग बनाना है तो मैंने ये बना दिया। अब यहाँ से जाओ देखो दोस्तों और यहाँ से सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल, तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैंने स्टाइल पे जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया आर ए जे ई एन डी आर ए लिख दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों अब मेरी स्टाइल सेव हो चुकी है, देखिए देखिए कहाँ मिलेगी आपको, देखिए दोस्तों अब मैंने सेव कर दिया। अब देखिए दोस्तों अब ये रही हमारी स्टाइल जो राजेंद्र के नाम से हमने स्टाइल बनाई थी, वो स्टाइल ये आ चुकी है। अब जैसे हमें जिस पे भी जैसे इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करनी है तो इसको सिलेक्ट करो और उस पर क्या करो क्लिक करो, ये देखो दोस्तों सेम आ गई। तो ये हमारी खुद की स्टाइल भी हम बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्या स्टाइल ब्लॉग था पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं एडिटिंग ब्लॉग के अंदर। सबसे पहला क्या आता हमारा फाइंड आता है, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो इसके लिए एक बार इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर हमारा कन्वर्ट कर देते हैं। देखो ये देखिए दोस्तों कलर भी इसका हम क्या कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं सभी का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अब जैसे हमें इसमें से कुछ फाइंड आउट करना है तो हमने इसको किया क्लिक, या फिर आप कंट्रोल एफ भी प्रेस कर सकते थे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे यू फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे यू कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वाई ओ यू लिखा हमने और क्या किया देखो यू लिखते ही देखो इसने यू जहां जहां भी था उसको क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया उसने। तो ये होता है क्या फाइंड, फाइंड का मतलब होता है उसमें से वर्ड्स को खोजना। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है दोस्तों, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, रिप्लेस की होती है कंट्रोल प्लस एच होती है। तो रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस का मतलब एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना। इसके अंदर देखो फाइंड का भी आपको मिल जाएगा, जैसे फाइंड का हमें करना था लुक और लुक के अंदर हमने क्या किया फाइंड नेक्स्ट, ये देखो लुक आ गया हमारा फाइंड नेक्स्ट, जो भी जहां जहां भी लुक है उनको दिखाता जाएगा। देखो दोस्तों दिखा दिया, या फिर आप क्या चाहते हो कि आप लुक को क्या करो रीडिंग हाईलाइट, आप उसको क्या करो हाईलाइट कर दो सभी लुक को। तो देखिए दोस्तों जैसे करेंगे हाईलाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये देखिए दोस्तों करती हो गई। अब वापस इस पे करेंगे और क्लियर हाईलाइटिंग, ये देखो दोस्तों क्लियर हो गया हाईलाइट। अब जाएंगे रिप्लेस की तरफ, रिप्लेस पे करके हम क्या कर चाहते हैं कि लुक जहां जहां भी लिखा हुआ है लुक की जगह क्या जाए आर ए जे लिख जाए, लुक जहां जहां भी है उसकी जगह क्या हो जाए आर ए जे हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक करके करना है, तो क्या करो आप सबसे पहले कहां जाओगे आप फाइंड नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास कहां है देखिए दोस्तों यहां लुक है उसकी जगह क्या कर दो आप रिप्लेस, देखो यहां लुक है ना लुक की जगह क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे किसको राज को, ये देखो दोस्तों राज हो गया। दूसरा लुक कहां पे ये इसकी जगह क्या कर दो राज कर दो, फिर तीसरा लुक कहां ये रहा इसकी जगह क्या कर देते हैं राज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सभी को कर सकते हैं, या फिर हम रिप्लेस ऑल करके सभी को एक साथ क्या कर सकते हैं, ये देखो दोस्तों ये देखो वर्ड हैज कंप्लीट इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड फोर रिप्लेसमेंट्स, ये क्या कह रहा है कि आपका वर्ड जो रिप्लेस हुआ वो कंप्लीट हो चुके हैं, फोर जो वर्ड थे उनको क्या कर दिया इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये दोस्तों ये होता है हमारा रिप्लेस का होता है। देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं हमारे पास सबसे पहला क्या आता है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल पे या तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो या फिर कंट्रोल ए दबाओ तो हमारा पूरा पेज क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सिलेक्ट। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारा क्या आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है तो दोस्तों इसको हम आगे इंसर्ट टैब के अंदर पढ़ेंगे, ये देखो इंसर्ट टैब के अंदर ऑब्जेक्ट है यहाँ हम इसको पढ़ेंगे। फिर देखो दोस्तों यहाँ आपको समझ में जल्दी आएगा। फिर देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम क्या आता है हमारे पास सिलेक्ट, जैसे एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं अब देखो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब सिमिलर फॉर्मेटिंग मतलब एक जैसी फॉर्मेटिंग जिस टेक्स्ट पे भी अप्लाई की हमने यह उन सभी को क्या कर देगा एक साथ सिलेक्ट कर देगा। देखो दोस्तों इस पे क्लिक करते हैं ये देखो जिस पे भी हमने सेम फॉर्मेटिंग की थी वो सभी क्या हो चुके हैं सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों उससे आगे जैसे इसके सभी के अंदर जैसे देखो आपको किसी भी फॉर्मेटिंग में आपको इंक्रीज करना फॉन्ट साइज देखो सभी के अंदर एक साथ होगी देखो, या फिर किसी का कलर चेंज करना है तो वो भी देखो आप एक साथ हो रहा है सभी का। फिर उसके बाद में देखो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है सिलेक्शन पेन आता है, सिलेक्शन पेन क्या होता है दोस्तों सिलेक्शन पेन हमारा शेप्स के अंदर अप्लाई किया जाता है। शेप्स हमारे कहाँ आते हैं दोस्तों, शेप्स आते हैं हमारे इंसर्ट टैब के अंदर आते हैं। तो ये सिलेक्शन पेन भी हम किस में करेंगे
इंसर्ट टैब के अंदर ही इसको हम करेंगे। देखो ये सेव साइन के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना और जितना हो सके इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।